नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर, हाथरस हादसे को लेकर बड़ा दावा किया गया है। सूरजपाल के वकील एपी सिंह का बड़ा दावा, हादसा नहीं साजिश रची गई। करीब 15 लोग स्प्रे लेकर आए थे, ये बात एपी सिंह ने कही है। स्प्रे की वजह से भगदड़ मची, हाफ पैंट और गमछा पहनकर आए थे लोग। हाथरस हादसे को लेकर बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने बड़ा दावा किया। एपी सिंह ने कहा है कि हाथरस की घटना एक हादसा नहीं बहुत बड़ी साजिश है। करीब 10 से 15 लोग गमछा कंधे पर रखे, हाफ पैंट पहने हुए सत्संग सभा में आए थे। उनके हाथ में स्प्रे था, वो स्प्रे लगातार करते हुए भागने लगे। उनके पीछे ही महिलाएं भागने लगीं और एक के ऊपर एक आती गईं, जिससे मौत हो गई। एपी सिंह ने पूरे मामले की जांच इस एंगल से करने की मांग की है। जो मैंने कहे थे 15-16 लोग वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले, वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ की, भगदड़ करते समय भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहां हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं, वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहां लगा हुआ था। और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए, उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने कि उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं, पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए। और ये तो 123 मौतें हुई, फिर भी प्रशासन शासन ने बचा ली, ये और अधिक मौतों की संख्या बढ़ती, क्योंकि लगातार वो गमछा ऐसे डाले हुए थे और जिससे स्प्रे छिप सके, स्प्रे को उल्टा करके ऐसे जिससे तेजी से निकल सके डाउन में, और ऐसे हाथ से दबा हुआ, और वो भागते रहे, गिराते रहे लोगों को, भागते रहे पीछे से। जो प्रत्यक्षदर्शी, उन्होंने बताया कि भागते समय एकदम थोड़ी देर में ऐसा होता था महिलाओं के साथ, एकदम अपने आप गिर जाती थी, और गिर जाती थी, नीचे गिर जाती थी। गिरने के बाद कोई भाग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई अधमरा हो रहा है, किसी की सांस छूट रही है। और इसीलिए जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, उसमें सांस रुकने की वजह से मृत्यु का कारण बताया गया है। और बातचीत करने के लिए शिवम प्रताप हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिवम, एपी सिंह मीडिया के सामने आते हैं, नई थ्योरी लेकर के इस पूरे मामले में सामने आए हैं और कह रहे हैं कि जांच का एंगल अब ये होना चाहिए। संघ को बदनाम करने की साजिश थी। उनका कहना है कि ये कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है, बल्कि प्लानिंग के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बाकायदा जो परमिशन इस सत्संग से पहले ली गई थी, उसके साथ साथ एक रूट का भी पूरा ब्यौरा लेकर वकील एपी सिंह ने आज पीसी किया। उनका दावा है कि 15 से 16 लोग जो एटा की तरफ से आए थे, जिन्होंने गाड़ियां रोड पर बाहर पार्क की थी, बाकायदा वो गाड़ियों के कलर भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनके हाथ में स्प्रे था, एपी सिंह वो स्प्रे भी दिखा रहे थे कि इस तरीके के कुछ स्प्रे थे जिसके जरिए उन्होंने लोगों के मुंह पे वो छिड़क दिए, और जब भगदड़ मची तो वो लोग स्प्रे फैलाकर वहां से निकल गए। एपी सिंह का ये भी दावा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है टोल टैक्स के, जो एटा से हाथरस की तरफ आता है और मैनपुरी से हाथरस की तरफ आता है नेशनल हाईवे 4, उस पर जो टोल टैक्स है वहां से पूरी सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए और उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि घटना के इतने दिन हो गए हैं, अभी तक आपने ऐसी कोई बात नहीं की थी, अब जब तमाम बातें निकल कर आई हैं तो आप नई थ्योरी लेकर आए। उनका कहना है कि शुरुआत में उनको या उनके सेवादारों को भी इस तरीके की बिल्कुल शिवम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। हाथरस सत्संग कांड में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। लोगों ने न्यायिक जांच आयोग कमेटी के सदस्यों को अहम जानकारी दी है। घटनास्थल पर आंखों देखा मंजर बयां किया गया, घटनास्थल से जुड़ी वीडियो भी टीम को दिखाई गई। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस स्थित कमरे में स्थानीय लोगों से टीम पूछताछ कर रही है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लिए, क्या कुछ जांच कहां तक पहुंची? हमने प्रोसीजर, हमने पूछताछ की है सबसे, क्योंकि ऑफिशियली हम जब नोटिस जारी कर देंगे तो हम वो सब रिकॉर्ड करेंगे आगे, सारे ऑफिसर्स के, जो भी संबंधित होंगे, जो पब्लिक के लोग होंगे, जो प्रेस के लोग होंगे, क्योंकि उसी समय मदद मिलेगी, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो जांच आयोग को लोगों ने यहां पर कई बातें बताई हैं। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ये पूछताछ की गई है। जो तमाम अफसर
इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब आयोग की टीम वहां पर लोगों से बातचीत कर रही थी, चश्मदीद ने खौफनाक मंजर को वहां पर बयां किया है कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम वहां पर हुआ है। तो हाथरस भगदड़ कांड से जुड़ी बड़ी खबर, न्यायिक जांच आयोग ने यहां पर कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं, लोगों ने जांच आयोग को अहम जानकारियां दी हैं। चश्मदीदों ने खौफनाक मंजर वहां पर जो रहा है उसको भी बयां किया है। हाथरस हादसे को लेकर राहुल गांधी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की है, वहीं उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगरा में तालाब के पास खेल रहे चार बच्चे अचानक डूब गए, जबकि चार अन्य बच्चों को सकुशल निकाल लिया गया। यह हादसा थाना खंदौली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के पास हुआ। बता दें कि कुल आठ बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। बच्चों को डूबता देख पास में एक महिला ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, मगर वो भी डूबने लगी। पुलिस ने चार बच्चों और महिला को बचा लिया है, मगर चार बच्चे डूब गए। पुलिस को जब सूचना दी गई उससे पहले इंटरचेंज पे होमगार्ड मौजूद थे, मुकेश कुमार चौहान और दो लोग थे जितेंद्र शर्मा और विष्णु। उन्होंने पांच लोगों को सकुशल रिकवर किया गया था। तीन की मौके पे डेथ हो गई थी, एक को खंदौली सीएचसी भेजा गया था जहां पे उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। पांच लोग अभी इसमें सकुशल रेस्क्यू किए हैं, अग्रणी अधिकारी। यूपी में आज कई हादसे हुए हैं, कहीं सड़क हादसे तो कहीं बिजली का कहर। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। राजस्थान रोडवेज की बस और बाइक सवार की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बस चालक को हिरासत में लिया गया है, जबकि जौनपुर में खेत की सिंचाई करने गए दादा और पोते की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मड़ियाहू थाना क्षेत्र में यह हुआ है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, आगरा और जौनपुर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कुशीनगर से खबर है, गंडक नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। गंडक नदी में फंसे लोगों को निकाला गया, एसडीआरएफ की टीम ने सभी को निकाला है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। खेत में काम करने गए थे ग्रामीण, नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण वहां पर फंसे हुए थे, तो एसडीआरएफ की टीम ने वहां पर लोगों को निकाला है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गंडक नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, इसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में भारी वर्षा होने के कारण वाल्मीकि बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ये करीब लगभग 6 गांव सीधे प्रभावित हुए हैं और कुछ गांव में पानी अंदर भी घुस गया है। पूरी यहाँ राहत टीम, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी ग्राम के लोगों को, यहाँ के लोगों को, निवासियों को कोई असुविधा न होने पाए और सारी इनको जितनी भी राहत सुविधाएं होती हैं वो प्रदान की जाए।